राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 17 जनवरी सन 2000 प्रातः हैदराबाद राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हर प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महर्षि विभूषित करीतांबराजिंबलांदुसुंदर मुखाजेत्रा कृष्णात्मे हरि ओम परमात्मे श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष यथोचित जैसे आज आप वैसे कहेगा विचार है। मेरी बातों में अच्छी बातें मालूम है वे शास्त्रों की संतों की महात्माओं की वेदों की पुराणों की स्मृतियों की है और जो त्रुटियां मालूम दे वो व्यक्ति की है। सुनने वाले सज्जन होते हैं वे सार ग्राही होते हैं। सारम तत्व ग्राही उपास्य फलगुण इस वास्ते ये निशंकता है कि आप सार सारी ग्रहण करेंगे ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले बात मनुष्यों के लिए उचित है कि अपने पास जो समय है मानव जीवन का इस समय की तरफ ख्याल विशेष रखे। धन की तरफ तो आप ख्याल रखते हैं एक एक पैसा भी सोच समझ करके खर्च करते हैं परंतु उम्र अपनी है आयु है इसी तरफ इतना ख्याल नहीं है। इस तरफ ख्याल होना चाहिए अधिक कारण के पैसे तो खर्च हो जाते हैं तो दूसरे मांग लेते हैं फिर कमा लेते हैं मिल जाते हैं परंतु समय तो अपना उतना ही है श्वास है उतना ही है वो ज्यादा नहीं है। उतने समय में से उसमें से ही खर्च होता है जो कुछ होता है खर्च उसी में से होता है। यह बात बताई थी और बताते हैं कि आज दिन तक जितनी उम्र हमारी बीत गई है वो हमारे जीने में से ही कमी हुई है। जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष हमारे जीने में कम हो गए। अब पीछे कितने रहे इसका पता नहीं है परंतु घाटा हो गया इसका पता है। इस तरह से समय हमारा जा रहा है बड़ा जीने का कीमती समय वो जा रहा है। इस समय की तरफ सावधानी की ज्यादा आवश्यकता है। विशेष सावधानी से बचा हुआ समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगावे इसकी तरफ ख्याल करना मुख्य बात है। और मुख्य समझ गए सबसे पहले आपके सामने निवेदन किया है इस तरफ ख्याल रखें। समय के समान कीमती वस्तु हमारे पास नहीं है। धन को कीमती समझा है और है भी किसी अन्य समय ठीक है बात
परंतु समय जैसा कीमती नहीं है। समय देने से पैसे मिलते हैं, परंतु पैसे देने से समय नहीं मिलता। अगर पैसे से समय मिलता तो धनी आदमी मरते नहीं, पैसे दे देते, 10,000 और जिएगा। पर लाखों करोड़ देने पर भी एक मिनट दो मिनट भी नहीं मिलते। और समय दिया जाए दिन भर तो कुछ कुछ पैसे पैदा होते हैं, और समय से पैसे मिलते हैं, पर समय से पैसा नहीं मिलता। इस वास्ते इस समय कीमती बहुत ज्यादा है। ये सावधानी से रहा हुआ समय है, अच्छे से अच्छे काम में लगा हुए, ऊंचे से ऊंचा काम है भगवत प्राप्ति का, उससे नीचे उतर तो पैसा पैदा में लगा हुए। परंतु पैसे पैदा लगाने में ज्यादा जरूरत नहीं है, पैसे मिलते प्रारब्ध के अनुसार, समय के अनुसार नहीं मिलते। और परमात्मा की प्राप्ति समय लगाने से मिलती है, प्रारब्ध से नहीं मिलती। प्रारब्ध से नाशवान चीजें मिलती है जो पैदा होती है, और पैदा नहीं होती है वो जो नित्य वस्तु है वो प्रारब्ध से नहीं मिलता, वो वर्तमान का समय देने से मिलता है। इस वास्ते वर्तमान का समय इसी तरफ विशेष ध्यान दो, अधिक ध्यान रखो, विशेष ख्याल रखो। ऐसी एक प्रार्थना है आप लोगों से, इस तरफ ख्याल करना चाहिए। अपना समय, एक एक मिनट का समय भी कीमती है। भगवान का नाम लिया जाए तो बहुत बढ़िया बात हो गई, भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान के तत्व को, रहस्य को समझा जाए तो बहुत ही उत्तम बात है। परमात्मा के स्वरूप की तरफ विचार करते हैं तो बहुत लाभ की बात है, जब से भी विशेष ध्यान की बात है वो, क्यों परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो है, उसका अभाव नहीं होता, उसकी प्राप्ति होती है, और प्राप्ति होने से निहाल हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता। यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाधिकृतः, जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होने की संभावना नहीं है। यंग लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाधिकृतः, जिसकी प्राप्ति होने पर ततः अधिकम अपरम लाभम मान्यते इति। उस लाभ के समान वही लाभ भी है, दूसरा कोई लाभ है नहीं, वैसा वो लाभ प्राप्त होता है जो कि बड़ा दुर्लभ है, हरेक को प्राप्त नहीं होता। और समय लगा जाए मनुष्य शरीर का तो उसी प्राप्ति होती है। इस वास्ते मनुष्य शरीर को कीमती माना है, मानो उसमें समय लगा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है, दुख का नाम निशान नहीं रहता, सदा सदा मुक्त हो जाता है। अब समय की तरफ ख्याल रखे, हर समय ख्याल रखे, सावधान रहे, और इसे सावधानी काम करती है। पैसे तो आप बैंक में जमा करते हैं तो बच जाते हैं, घर में भी आप तिजोरी में रखकर ताला लगा दे तो भी पड़ा रहता है, परंतु समय बचता नहीं। समय तो खर्च ही होता है, इसको बचाने की कोई युक्ति नहीं हमारे पास में। इसको जमा कर दे तो है जैसा रह जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये तो खर्च होता है। इसमें हरदम सावधान रहने से ही लाभ होता है, नहीं तो समय निकल जाएगा। सत्संग का समय है वो आपने जितने दिनों का लिखा है उतने दिनों का है, और वो खट खट घट हो रहा है। हमारे भी ये 40 मिनट आ गए, इतना समय आज खर्च हो गया,
48 मिनट का, ये झारा तेजी से आप अच्छा काम करे, बंदा करे, कुछ भी करे न करे, तो समय तो जाता ही है। आप कुछ भी ना करो तो इस समय तो बीतेगा ही, और समय बीतने पर अपने उठाना पड़ेगा ही। फिर रहने की अपना में कोई शक्ति नहीं है, आप में कोई हो तो पता नहीं हमें, हमारी दृष्टि से ऐसी कोई ताकत नहीं कि समय बीत गया, उम्र बीत गई, फिर भी जिएंगे हम तो। हमारी स्वतंत्रता चलती नहीं, वो समय खर्च हो रहा है, और जो जो समय खर्च हो रहा है तो ही तो मौत नजीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा, मृत्यु को कोई चाहते नहीं है, वो दिन आ रहा नजीक। इस वास्ते सावधानी के साथ जो समय है उस समय को भगवान में लगाओ, और दूसरे में लगाओ तो सारे काम में लगाओ। झूठ खबर जैसादी बेईमानी और विश्वासघात आदि करोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। अभी तो अच्छा दिखता है परंतु इसका नतीजा बहुत खराब होगा। समय कैसे लगाया जाए ईमानदारी के साथ में, तो समय के अनुसार अपने को वस्तु मिलती है। तो पैसे कमाने में लगाओ, न्याय युक्त काम करने में, तथा भगवान के भजन में। दो काम है, तीसरे काम और है, दीन दुखी अपाहिज अरक्षित कमजोर हो उनकी सेवा करने में। सेवा करना और भजन करना ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है, और दूसरों के दुख देने से नरकों में जाना पड़ता है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे प्रेम से कहना है कि बड़ी सावधानी से उम्र बिताना है। इसमें भूल होने से भी माफी नहीं होती है, किसी का नुकसान किया है तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई पहले से ही अपना समय सोच समझ करके अच्छे काम में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ, दूसरे कल्याण में लगाओ, दूसरों के सुख पहुंचाने में लगाओ, सेवा में लगाओ, जिससे हमारा समय सफल हो जाए और नहीं तो निष्फलता जाएगा। और समय बीतने पर अपने को जाना ही पड़ेगा। हम जोर से नहीं रह सकते, हम विद्या से नहीं रह सकते, बुद्धिमानी नहीं रह सकते, समय के अनुसार रहते हैं। समय जितना जी जीने का है उतने श्वास यहाँ लेने पड़ेंगे और पीछे जाना ही पड़ेगा, इसमें किसी का जोर नहीं चलेगा। इस वास्ते सज्जनों हरदम सावधान रहो, आज बहुत सावधान रहता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर दूसरे शरीरों की तरह नहीं है, और शरीर तो बाहरी आया मिलता ही है, परंतु मानव शरीर तो भगवान की कृपा से मिलता है। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण में घिरा हुआ चलता ही रहता है। कब कर करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही, कभी एक भगवान कृपा करके और बिना हेतु सने करने वाले, जिनका दयाला दयालु स्वभाव है, सबके हित करने का स्वभाव है, आदर जिसकी स्वभाव से दूसरों का हित करने की है, ऐसे परमात्मा दया करके मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य देने में भगवान की दुगुनी दया होती है, एक तो दयालु स्वभाव है, कारण रहित दयालु है, और एक करुणा करी, एक कृपा करके मनुष्य देते श्री। जिन जिनको समझते हैं ये भगवत प्राप्ति कर सकते हैं,
ऐसे पुरुषों को समझ करके मनुष्य देते हैं तो मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानसो देह देना क्षण भंगुर किस तरफ आज का दृष्टि नहीं है, उल्टी दृष्टि हो रही उल्टी के पर मनुष्य में नहीं, परिवार नियोजन कर रहे परिजन में नहीं, बड़ा भारी नुकसान है, महान नुकसान है, महान हानि है, बड़ा भारी हानि है। इस वास्ते भाई जो मनुष्य जी मिला है उसको अच्छे सच्चे ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, जैसे कि फिर पश्चाताप नहीं करना पड़े, रोना नहीं पड़े, नहीं तो सो परत्रुपा वही सिर्फ धुने धुने पड़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल को दोष लगा कर चुक है मिथ्या दोष है, कर्म को दोष है बड़े भाग्यवान तन पावा भाग्य नहीं है, और कलयुग को दोष नहीं कलयुग समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास, काय राम गुण गण विमल भगवत बिना प्रयास, बिना प्रयास सुगमता से उद्धार होने का मौका कलयुग में ही होता है। इस वास्ते कलयुग समयुग आन नहीं, दूसरे युग कलयुग के समान नहीं है। भगवान के गुण गाय करके बिना प्रयास से संसार से उद्धार हो जाता है। तो काल कर्म ईश्वर ही और कबो कई करुणा दर्दे ही ईश्वर को दोष क्या हुआ, कृपा करके मानव से ही देते है भगवान तो मिथ्या दोष लगाए, अपना काम तो करता नहीं और दोष काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, इनको झूठा दोष लगाता है, इनका दोष है नहीं, सब तो करना करके मनुष्य ही देते हैं, दोष कैसे हुआ, कृपा करके देते हैं, कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो भाई जो आलस में प्रमाद में व्यर्थ बकवाद में समय बर्बाद कर देता है उसको पीछे दुख पाना पड़ता है। इस बात से आप लोग कृपा करके जितना समय अब बचा है चला गया जो चला गया वो क्या करे, उसे हो तो गया, उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं, अब आगे समय रहा है उसके लिए उपाय है कि अगर ये बचा हुआ समय अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगे तो वो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। समय लगा करके आदमी विद्वान हो जाता है, पढ़ाई करता है तो विद्वान हो जाता है, अरे पहलवानी करने वाला भी बलवान हो जाता है, और जो जो काम करता है वो कारण में सफल होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति करने में भी सुगमता की बात है, सरलता की बात है, स्वतंत्रता की बात है। अरे हाथ से समय निकल गया पैसे आती बात नहीं है, पैसे अपने जोर नहीं चलेगा, अपने सत्वे काम नहीं देगी। इस वास्ते भाई इस समय को बड़ी सावधानी के साथ भगवान की प्राप्ति में लगाओ, परमात्मा तत्व को समझो और उसको सोचो और उसको याद रखो। परमात्मा सब जगह व्यापक परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ये मैं जाना, भगवान शंकर कहते हैं देवताओं की सभा में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है, समान रीति से इस बात को याद रखो, ये याद रखो कि भगवान है, 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 है नाम परमात्मा का ही है। संसार है कहते हैं, संसार है नहीं, संसार तो बीत रहा है। जितनी सृष्टि आपको दिखती है, बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े समुद्र और बड़ी बड़ी नदियां और बड़ी बड़ी जमीन, ये सब की सब खत्म हो रही है, काल के काल में जा रही है, तारा नक्षत्र ये सब, और मनुष्य पशु पक्षी और वृक्ष मकान सब खत्म खत्म की तरफ जा रहे हैं, सब का विनाश की तरफ जा रहा है। एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवसर मिला है मनुष्य शरीर का, मनुष्य शरीर को परमात्मा में लगा दो, भगवान के नाम जपने में दीन दुखियों की सेवा करने में, तो भाई आपकी बहादुरी है, नहीं तो समय बीत जाएगा, समय बचेगा नहीं, समय रहेगा नहीं।
ये तो समय बच जाता है। अधिक नींद लो तो नींद में जाएगा, प्रमाद करो प्रमाद में जाएगा, फिर तो वर्ष यू बीत जाएगा, देख रहे बीत जाएगा। समय है वो अपने हाथ में है, अब बचा हुआ समय है वो अपने हाथ में है, अभी है उसे लिए आप सब स्वतंत्र है। आप अगर ये समय हमारा है उसमें आप सब के सब स्वतंत्र है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं, जो भी हरेक नहीं ले सकता ऐसा बड़ा लाभ जिसमें होता है, ऐसे लाभ के लिए बहुत जरूरी मानव शरीर है और उसका समय। इस बात से समय के ऊपर बड़ी सावधानी से साथ निगरानी रखना, हरदम सावधान करना, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, मन में जागृत रहिए बंदा, सावधान रहो हरदम जागृत रहो, हरदम आज ही बार हरदम सचेत रहो। नींद रहो तो भी ढंग से, काम करो तो भी ढंग से, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो डरते, डर का मतलब भयभीत नाम तापर नहीं है, सावधानी का नाम है। डरते रहो मन सावधान रहो, हर समय सावधान रहो, यह जिंदगी बेकार न हो जाए। मानव शरीर है बड़ा कीमती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वस्तुओं से नहीं होती, रुपयों से नहीं होती, लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति रुपयों से खरीद नहीं जाती, पर समय से खरीद जाती। आप अपना समय भगवान के चरणों में लगावे तो जरूर प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात समय से समान कीमती कोई चीज नहीं है, रुपये से पैसे ही कीमती नहीं है इतना जितना समय कीमती है। रुपये में तो आप सावधान रहते हैं, पर समय में परमात्मा की प्राप्ति का खास खास मूल्य है, उसमें समय सावधान नहीं रहते। इस वास्ते हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना है, बार बार चेतावनी है, आप ख्याल करो ध्यान दो, समय है अपना नहीं जाए। भगवान के भजन बिना समय गया वो निरर्थक चला गया। माता कौशल्या ने तो ये कहा है कि नाथ तुम्हारे बिना, तुम्हारे देखे बिना, राम तुम्हारे बिना समय वो ब्रह्मा जी हमारी उम्र में न लावे। वो इस गिनती में नहीं हुआ, मन समय नहीं है वो, जिसमें भगवान का चिंतन है वो मन समय का, वो तो पशु की तरह से बीत गया। इस वास्ते अब जो बचा हुआ समय है बड़े सावधानी भगवान में लगाओ, बड़ी सावधानी से, तो भाई अपना कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। और ये समय भी ऐसे खाली चला गया तो फिर अवसर मिलना मुश्किल है, इसमें कमी रह जाएगी तब तो फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। छठे अध्याय में योग विश्व का विषय है, प्रयोजन पापम अप्राप्य योग संसिद्धि कांग गति कृष्ण गति प्राप्ति योगी सिद्धि की नहीं हो तो क्या गति होती है, तो वो योग भ्रष्ट होता है। भोगों की इच्छा वाला स्वर्ग स्वर्ग में जाकर के मन जन्म लेता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति में तेजी से लगा हुआ है और भोगों की इच्छा नहीं है वो स्वर्ग में न जाकर सीता अथवा योगी नाम है वे कुरे भोती दिए बताओ। बुद्धिमान परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लगे हुए संत महात्माओं के कुल में जन्म लेता है। दुर्लभ तरम लोग ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है। तात्पर्य क्या निकला कि परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए कमी रह जाए तो भी फायदा और पूरा हो जाए तो महान लाभ है ही, इसमें संदेह नहीं, पर कमी रह जाए तो भी योग वृष्ट होकर के महात्माओं के यहाँ जन्म लेगा। तो बचपन से परमात्मा में लगने में सहायता मिलेगी, संग अच्छा मिलेगा,
रंग के अनुसार रंग जुड़ता है, उसके अनुसार आदमी काम करता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए के लाभ ही लाभ होता है। संसार के काम करने में लाभ और हानि दोनों होते हैं, नफा और नुकसान दोनों होते हैं। धनी भी हो जाते हैं, कंगले हो जाते हैं, दिवाला निकल जाता है, धन खत्म हो जाता है, घाटा हो जाता है। पर परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ घाटे में नहीं जाता, उसके लिए लाभ ही होता है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। ऐसे फायदे के लिए मानव शरीर है, मानव शरीर इसका समय है, बड़ा कीमती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में बड़े जोर से लगना चाहिए, तत्परता से, उत्साह से। भगवान की कृपा हुई है जो ऐसा मौका मिला है, मानव शरीर में और उस शरीर में भी सत्संग का मौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। सत्संग करिए भाई, सुंदरदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काटिए राम दवाई। सत्संग करिए भाई, जाके सुंद लगे नाना विध बदराए, कही जे भिन्न भिन्न जब नाम धराई, जाके सुंद लगे चंदन की, चंदन होते बार लाई। और पांच हजार पार लगते कंचन हो जाई। सत्संग से बहुत लाभ होता है। भजन ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति करते वो तो कवार धनी होते हैं, और सत्संग वाले को तो परमात्मा की प्राप्ति के माल मूल्य मिलता है मुफ्त में। ऐसे मुफ्त में हरेक जगह नहीं मिलती है चीज, सत्संग में मिलती है। इस वजह सत्संग का ही करना चाहिए। जैसे सत्संग से लाभ होता है, ऐसे भाइयों बहनों कुसंग से नुकसान होता है। कुसंग होने विषयों में आसक्ति होती है, उसमें निरंतर चला जाएगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। इस बात से सावधान रहो, हरदम सावधान, कुसंग न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, याद रखो सावधान रहो, हरदम सावधान रहो। डरते रहे वो तात्पर्य सावधानी में है, भय से नहीं है। भय है आशु संपत्ति, अभयम सत्य सुंदर देवी संपत्ति। इस वास्ते सावधानी में तात्पर्य है इसका, हरदम सावधान रहो। और हरदम सावधान रहता है उसे लाभ होता ही है, नियम है, उसे लाभ होगा ही, संदेह नहीं है। हम देखते हैं, हमारे सामने देखने में बातें आती है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति में लगा है उसे घाटा हो जाए, बेटा मर जाए, जवान मर जाए तो भी उतना दुख नहीं होता, और बड़ा सत्संग नहीं करते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। ये बात हमारे देखी हुई है, बहुत बहुत जगह ऐसी हमें अनुभव हुआ। इस वास्ते भाई सत्संग करना चाहिए, सत्संग मिल जाए तो सुनना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है, विशेष कृपा से मिलता है और उससे लाभ ज्यादा होता है। कमाया हुआ धन मिलता है, कमाया हुआ हम वर्षों तक मेहनत करेंगे तो प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति सत्संग से मुफ्त में बहुत जल्दी होती है। विशेष पर्दा खुल जाता है भीतर में, कई बातें सत्संग से खट खुल जाती है, ख्याल हो जाता है। इस वास्ते सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। राम प्रभु कृपा कर जब स्थित में जा ही मिले, संत विशुद्ध मेरे पुण्य दे ही, चित में राम कृपा कर जे ही। जिस पर राम जी कृपा करते हैं उनको सत्संग मिलता है। इस वास्ते सत्संग मिल जाए तो बड़ा उत्सव होना चाहिए, और उसका एक एक समय है, एक एक बात है, बड़ी कीमती होती है, और बड़ी सावधानी के साथ सुनना और उसको काम लेना चाहिए, नहीं तो ये भी समय निकल जाएगा भाई। जैसे 84 लाख जोड़ी में
मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसे मनुष्य योनि में सत्संग मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उस सत्संग का समय खाली खो दिया और उसमें ध्यान नहीं दिया, बड़ी भारी हानि होगी। भगवान की कृपा का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। इस बात से बड़ी सावधानी से जो समय बचा है वो समय भगवान में लगाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ प्रभु को पुकारो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय में हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, आप याद रखो, आप याद रहे। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान की स्मृति है, उस भगवान की याद आवे। भूल न जाऊ हे नाथ, न भूल जाऊ नहीं, हे प्रभु न भूल जाऊ नहीं, भूलू नहीं, ऐसे भगवान से बार बार कहो। भगवान की कृपा बरस रही है सज्जनों, भगवान की कृपा अलौकिक विलक्षण सब समय में होती है, परंतु सत्संग में मिल जाते उस समय विशेष कृपा होती है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से समय सत्संग में लगाओ। एक एक बात सोच और समझ करके मन शरीर निरंतर न चला जाए। सावधान रहो, सावधान सावधान सावचेत सावचेत। ऊंट होता है, ऊंट को भी सावधान करना ठीक होता है, तो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत रहना दिल में, गफलत में नहीं, समय बर्बाद ना हो जाए। इस वास्ते प्रार्थना है कि भगवान को याद करो, भगवान की स्मृति रहे हरदम, याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, समय निकल जाएगा। आप काम करो ना करो और मनोराज्य करो तो करते रहो, समय तो आते से निकल जाएगा। लग जाओ सबसे हृदय से तो उन्नति हो जाएगी, हो ही जाएगी। हमने देखा है हमारे साथ पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले जो भगवान में लग गए वे ऊंचे हो गए, और नहीं लगे हैं उन्हें उन्नति नहीं हुई, ये पक्की बात है। जैसे पढ़ाई में लगने वाले पढ़ गए और पढ़ाई में नहीं लगे वह विद्या नहीं आई, इस तरह से आध्यात्मिक बात में तत्परता से लगे हुए हैं उन्होंने उन्नति जरूर की है, इन्हें संदेह नहीं है। और नहीं लगे भीते रह गए, खाली रह गए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी लाभ नहीं लिया, मनुष्य शरीर का लाभ नहीं लिया, तो उन्नति कैसे होगी। इस वास्ते भाई होने से सबसे पहले प्रेम प्रार्थना है कि आप सावधानी के साथ रहा हुआ समय सब भगवान में लगाओ, हरदम सावधान रहो। पैसे के लिए कंजूसी करना है वो तो गलती है, और समय के लिए कंजूसी करना बहुत बुद्धिमानी है। फर्स्ट भाग में आया है, कोई काम पड़े तो रुपयों की थैली खोल देनी, मेरे जवान बनो लो, समय खर्च हो जाएगा, समय खर्च हो जाएगा, उसमें थैली खोलना रुपया दे रुपया दो, रुपया तो छोड़ कर मरोगे, रुपया तो छोड़ कर ही मरोगे, बस समय छोड़ कर नहीं मरोगे, समय आपके काम आएगा, रुपया काम नहीं आएगा। परंतु आपने रुपयों का लोभ लगा है, ख्याल नहीं है, कृपा करो कृपा नाथ, अब ख्याल रखो। भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से आदर से स्नेह से प्यार से आदर से लगाओ, विश्वास के समय भगवान में लगाओ। एक एक क्षण बीते भगवान में लगे, हे नाथ हे नाथ। भगवान के लिए एक बात याद आ गई, इसे बंबई में बात कही थी, लोगों ने उसको पसंद किया, वो बात याद आ गई। भगवान के भजन में समय लगाना ठीक है, परंतु इससे भी बढ़िया बात एक और है,
भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ लेना। संबंध होता है वो निरंतर रहता है। जिसके साथ ब्याह हो जाए उसके पति मानने में आपका संबंध निरंतर रहेगा। ये बेटा है, ये बाप है, ये माँ है, तो माँ का संबंध निरंतर रहता है। ऐसे भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ दो, भगवान हमारे पास है। एक बालक था, उसकी माँ थी विधवा। दिखता नहीं क्या बात है। तो बालक छोटा था, उसको पढ़ाना चाहते कि ब्राह्मण बालक है, बढ़ जाए तो अच्छा है। घर में कोई रहा नहीं, देवनाथ जेठ ना पति कोई नहीं, एक बच्चा गोदी में रह गया। तो वो एक पाठशाला थी शहर में, शहर के पास ही उसका ग्राउंड था। तो वो गई पंडित के पास में और कहा कि महाराज मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास देने कुछ नहीं है, इन बालक को पढ़ाना चाहती हूँ, ब्राह्मण बालक है पढ़ जा तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा बहन तू चिंता मत कर, तू यहाँ भेज दे बस, बड़ा मैं दूंगा, कोई पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, बच्चे पढ़ते हुए साथ पढ़ेगा। तो वो मोहन वहां पढ़ने लग गया, आता जाता तो देरी हो जाती, माँ सामने चली जाती, आ जाती। ऐसे करते करते एक दिन हो गया, महाराज जी वो कामनंदा हो गया, देरी हो गई, देरी हो गई तो दिन सूर्यास्त होने लगा। वो किसा तो जंगल में भय लगा, भय लगा तो माँ माँ याद कर, माँ आएगी, माँ आई तो माँ आज तो नहीं याद कर, तो बहुत डर लगता मेरे को, भय लगता कि वो क्या करूं। भय नहीं बेटा, तू भगवान को याद कर, भगवान कौन है मेरा, तेरे बड़े भाई है, उनका नाम है गोपाल, उसका नाम है, तेरे बड़े भाई है गोपाल, उसको याद कर। बाबू कहाँ रहता है कि यहाँ जंगल में गायें चराता, गायें चराया करता है, जंगल में रहता है। तो ठीक है बाबू, ठीक है, बड़ी खुशी आई पर मैं तब ठीक है। गोपाल भाई, ओ गोपाल भाई, अब गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, थोड़ा थोड़े पीछे जा रही, गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई। माँ के वचनों पर विश्वास हो गया पक्का कि माँ ने कहा है। तो कहने लगा देख भैया, माँ ने कहा है, माँ ने कहा है, मेरा कहना माने नहीं माने, माँ ने कहा है। अब माँ को कहना तो मानना ही पड़ेगा बालक को, तो माँ ने कहा है, मिलो गोपाल भाई, मिलो, माँ ने कहा है। तो छोटी और सारे मिल गए, साथ मिले, खुशी आएगी, आज को गिर दिया और आवाज हो गई, वही चलो भाई। तो प्रसाद में पहुंचा करके पैसा लौट गया। ऐसे सदाई लौट रहा था। तो एक दिन गुरु जी के श्राद्धगम से आ गया, तो श्राद्धगम से आया तो श्राद्ध में सब लोग चीज लाने लगे, तो रुपया लाते हैं, कोई कपड़ा लाता है, कोई बर्तन लाता है, कोई चीजें तरह तरह की चीजें लाने लगे। तो इसने कहा गुरु जी मैं क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, बार बार कहा। तो बेटा थोड़ा सा दूध ले आना, दूध ले आना। बड़े खुश हुआ, माँ को जाकर माँ गुरु जी के पिता लेगा श्राद्ध आ गया, श्राद्ध में लोग लावे तरह तरह की चीजें लाएंगे, तो मैं क्या लाऊं। मैंने भी कहा कि मैं क्या लाऊं, उसने कहा एक लोटिया दूध ले आना। तो माँ दूध ला दे, बस गुरु जी मैंने कहा है। अरे तू दूध ला तो मैं कहाँ से लाऊं, हमारी लुटिया भी नहीं है, लुटिया कहाँ से लाऊं। गोपाल भाई को कह देना, गोपाल भाई गया रहता है, उसके पास दूध बहुत है। गोपाल गोपाल भाई खुशी आएगी, उसमें गोपाल भाई निशंक हो गया, वो तो
गोपाल भाई हमारे मेरे भाई है गोपाल भाई, और मित्रता होगी मित्रता गोपाल भाई के साथ में, गोपाल भाई गोपाल भाई आए, गोपाल भाई दूध लाओ। गोपाल भैया मैं पहले जानता हूँ ये छोटे बेचारे थी छोटा दे दिया, बड़ा खुशी हुआ आनंद हुआ। मन चाहे चीज चाहे कीमती हो चाहे ज्यादा कीमती ज्यादा थोड़ी, मन चाहे चीज मिलने से खुशी आती है, बड़ी खुशी खुशी हो गया। गुरुजी गुरुजी बोला गुरुजी गुरुजी दो चार बार कहा और क्या बात है गुरुजी बोला मैं दूध लाया हूँ। अरे दबे गई हटा हटा बाबा मैं तंग करता गुरु जी नहीं करता मन में समझा गुरु जी आदर करेंगे सत्कार करेंगे गुरु जी कह देंगे बोला हटाओ इसको बोले आवाज ना लॉक कर देगा चली हाल में गिलास भर गई लचे फिर बागी दूध भरा बड़ा बर्तन मांगा वो भी भर गया बाल्टी मांगी दूध भरता है बाल्टी भर गई जाके महाराज क्या है लुटा देखो छोटा सा लुटा छोटा सा उसने दूध आया दूध बाल्टी भर गई बाल्टी। पंडित लोग इकट्ठे हुए थे अच्छे अच्छे पंडित गए बिकाने लगे अच्छा हो नहीं सकता ये बाल्टी का दूध अभी डालो लोटी समाया गए नहीं सब लोटी पर दिख रहा है कि कैसे हम कैसे विश्वास करें महाराज देख लो अब विश्वास कर लो आप तो उन्होंने बड़े बर्तन में धारण लगा बर्तन भर गया लोटे दूध बाकी भाई और ले गया। अरे क्या बात है कौन लगा गुरु जी आए अरे बात क्या है कि महाराज छोटा छोकरा ये दूध लाया हूँ और बर्तन भर गया सभी बाल्टी भर गई कढ़ाई भर गई कितना दूध है तो इस दूध की खीर बन जाए श्राद्ध में खीर का बड़ा महत्व है जो भोजन गर्म गर्म रहता है पितर गर्म पाते उस उपास और उस उपास गर्म गर्म पाते अभी खीर जल्दी ठंडी नहीं होती ज्यादा देर गर्म रहती है तो खीर से तृप्ति बहुत होती है पितरों की तो खीर खीर जोड़े अब खीर बना महाराज और क्या तो दूध कहाँ से लाया बच्चा बता प्यार से बोले अब बड़े प्यार से बोलते तिरस्कार करते थे कि गोपाल भाई नहीं आए गोपाल भाई कौन है भाई है मेरा भाई है गोपाल कहाँ रहता है या जंगल में रहता है गाय चलाता है उसने ला दिया तो गोपाल भाई तो जा रहे थे हाँ रहता है तो मेरे मिला दे हाँ मिला दूंगा मैंने समझे गोपाल भाई कार गोपाल भाई मिलने में क्या देरी लगती है तो मेरे दर्शन करा देगा हाँ कहा दूंगा तो ठहर जाए चला गए सब काम करके और गोदी लेकर चले कहा है यहाँ है और नीचे उतार है गोपाल भाई और गोपाल भाई गोपाल भाई अरे नहीं गोपाल भाई आज आया नहीं क्या भाई आओ भाई गोपाल भाई आओ गुरु देखना चाहते है गुरु ने कहा मैं तो कह दिया तो आवाज आएगी तुम आज अकेला तो है नहीं साथ में गुरु जी है ही मेरी क्या जरूरत है मैं तो आता हूँ तेरे साथ कोई नहीं होता तब आते भाई गुरु जी है साथ में अरे भैया गुरु देखना चाहते है आओ 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 गुरु देखना चाहते है गुरु जी देखना चाहते है गुरु जी पात्र नहीं है गुरु जी गोपाल भाई कहता है पात्र नहीं है अरे पात्र होता तो मैं आप सब दर्शन कर लेता पात्र होता तेरी गर्ज क्यों करता कहते तू मेरी गलती करी है और मेरे को कहा है मैंने हाँ कह दिया मैं दर्शन करा दूंगा कि ये पात्र नहीं है वो पात्र नहीं तू जाना मेरे पता नहीं मैं तो कह दिया करा दूंगा क्या वाओ मैंने कह दिया मैं तो कह दिया अच्छा तो आसान प्रकट हो गए गोपाल भाई आए गोपाल भाई उसको प्रकाश दिखे सुगंधी भी आवे दिखे नहीं गोपाल भाई देख जाओ गुरु जी कहा गुरु जी मेरे गुरु जी है गुरु जी को दर्शन दे दो गोपाल भाई दर्शन दो कि तू मेरे को देखता देखता जाकर गुरु जी को छू ले तेरी स्थिति हो जाएगा
उस अंजाल में सुबह सुबह दर्शन हो गया। दर्शन हमारे महाराज पंडित थे, स्मृतियां करने लगे, पान करने लगे, वेदों का मंत्र बोलने लगे। महाराज बड़ी कृपा करी आपने, आपने दर्शन कर दिए, इस बालक को दर्शन दिए, मेरे को दे दिए, बड़ी कृपा करी। ऐसी बात है तो ये हुई बड़ी, क्यों मांगो वरदान कुछ मांगो, महाराज आपकी चरणों की भक्ति। मैं बरसों से बालकों को पढ़ाता हूँ, ब्राह्मण बालक बहुत से पढ़ गए हैं, और मेरे मन में यही है कि बालक पढ़ जाए। मेरा यही विचार है कि मेरी विद्या सफल हो जाए, लोग पढ़ जाए। मेरे मन में कोई कामना नहीं, धनादि संपत्ति मैं नहीं चाहता, मैं बालकों का कल्याण चाहता हूँ। फिर बालक भजे विद्वान बन जाए, अच्छी बात है। साथ साथ में गए, साथ साथ में गए तो वहाँ माँ है, उसे बच्चे मोहन की माँ बैठी है, आप आगे बढ़ रहे हैं, गोदी में गोपाल भैया बैठे, माँ के गोदी में गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, गोपाल भाई, प्रेम से मिले। और विद्या विद्वान बोले पढ़ने तो कि भाई असली पढ़ाई तो तेरे बालक को पढ़ाया इससे मिली है, ऐसी पढ़ाई का मूल्य किसी ने नहीं दिया। बहुत से मेरे पास पढ़ गए, अच्छे अच्छे विद्वान बन गए, परंतु ऐसा मूल्यवान ऐसा कोई वस्तु दी नहीं। तुम्हारे से अल्लाह है, मेरे पंडित जी भी बड़े भाई मस्त हो गए, गोपाल तो मोहन तो मस्त था ही, माँ के भी हृदय में भक्ति थी भगवान की। भगवान की भक्ति होती है उसके बालक के ही हृदय में भक्ति पैदा होती है। माँ का असर बालक पर विशेष आता है, सब घर वालों का असर पड़ता है, पर माँ का विशेष असर पड़ता है। इस बात के नाना ने चाहे नाना तो माँ का असर ज्यादा पड़ता है, माँ के पेट में रहता है, फिर माँ की गोदी में रहता है, फिर माँ का दूध पीता है, माँ की बातें सुनता है, माँ से बोलना सीखता है, चलना सीखता है, सब कुछ पहला गुरु माँ है। इस बात से माँ की गोदी में रहने से माँ का असर पड़ता है। तो महाराज बाप बेटा दोनों भक्त बन गए। तो बहनों माताओं ऐसे भगवान को याद रखो, भगवान का चिंतन करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये भोला सीधा साधा बालक होता है, उसे मन में जच जाती है। भगवान केवल विश्वास से मिलते हैं, मैं मिलता विश्वास है बंदो बहु कहा ढूंढे माता, मैं तो तेरे पास हूँ। तो विश्वास से भगवान मिलते हैं, वो विश्वास भोले आदमी के बहुत जल्दी जमता है और पक्का जम जाता है, भगवान मिल जाते हैं। इस वक्त आप लोग भी चाहो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और तो भैया बीच में रेखा चाहिए, रेखा दूरी ना हो, केवल प्रेम, केवल भगवान का प्रेम। हरि व्याप सुनाया सुनाया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुए मैं जाना। रेखा प्रेम होता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन होते हैं, तसे भगवान के दर्शन करो। और बालकों को भी ये बातें सिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को बताओ बातें जो बालक में समझ जाए। आज बालकों का कुसंग होता है, इस वजह से कुसंग में जाने से बालक खराब हो जाते हैं। कुसंग मत होने दो, बच्चों को पढ़ाई का लोभ होता है, पढ़ाते हो परंतु कुसंग होता है, उनसे बालक नास्तिक पैदा होते हैं। माँ बाप कह नहीं मानते, उदंड हो जाते हैं। तो उन्होंने को भाई भगवान की भक्ति कैसे मिले, वे न्याय की बात नहीं करते, माँ का आदर भी नहीं करते, भगवत भक्ति प्रेम कैसे हो। न्याय जब चलेगा ठीक रहेगा तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतकरण में भगवान का प्रेम पैदा होता है, प्रेम में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस बात से भगवान में भगवान भक्ति रखो तो उससे भगवान का चिंतन करो तो भगवान याद आ गए। तो इस बात से भाई बहनों को चाहिए कि हरदम भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो। समय जितना आप अपना भगवान में लगाओ, जितना अधिक से अधिक लगाओ, हर समय चलते फिरते काम धंधा करे, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गिरती सादगी आई उत्तम रीत। क्योंकि संत है, गुरु रहते हुए संत में भगवान ही प्राप्ति कर ले।
बहनों माताओं पर मेरी भाई करवा भाई पुली भाई कई भगत हो गए भगवान के मीरा भाई जैसे भगत हो गए तो माता और भगत हो जाती है ससुर पुरुष भी भगत हो जाते हैं। भगवान की भक्ति नीचे से नीचे प्राणी को प्राप्त हो जाती है केवल विश्वास हो केवल विश्वास ये कर्मों की बात नहीं है भगवान की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है ये प्रेम का फल है प्रेम से और प्रेम हरेक जागरूक होता है। सबके सब प्राणी परमात्मा के साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्त्री हो चाहे पुरुष हो बड़ा हो चाहे छोटा हो बूढ़ा हो चाहे बालक हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल से सुखराशि भगवान के प्यारे भक्त हो आप भगवान के साक्षात पुत्र हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के पैदा हुए और भगवान के मेरे को सब प्यारे लगते हैं। भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री हो आप ऐसे बच्चों जो साकार है भगवान के बेटा बेटी है आप ऐसे दृष्ट सज्जन है भगवान के है भगवान परम बेटा परमेश्वर है हम परमेश्वर के है ये बात सदा याद रखो भगवान का संबंध हमारा अटल है। हम भूल जाते हैं भगवान भूलते नहीं है हम भूल जाते हैं भगवान नहीं भूलते भगवान को याद है सब बात याद है। हम तो मानते हैं अरे भगवान जानते हैं हम तो भगवान को मानते हैं जानते नहीं परंतु भगवान तो जानते हैं हमारे को कृपा करते हैं। आप सच्चे हृदय से उसको पुकारो बैठते उठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम हे नाथ आपको भूलो नहीं एक ही मांगो एक ही मांगना एक ही भूलो नहीं आपको भूलो नहीं बस और अगर धर्म ने कहा मनुष्य बदलता हो निर्भर कुछ नहीं और कोई चाहता नहीं जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन और बुलाने चाहिए केवल आपके चरणों में प्रेम हो जाए आपको भूलो नहीं हे नाथ ऐसे कहो रात दिन उस फेवरे ले जाओ भगवान की प्राप्ति होगी इसमें संदेह नहीं है न संदेह भगवान की प्राप्ति होगी। देखो कर्जुग है ना कर्जुग सब जुगाड़ नहीं ये सब जुग दूसरा नहीं है आज भगवान सस्ते जिस चीज के ग्राहक कम होते हैं वो चीज सस्ती हो जाती है आज भगवान के ग्राहक बहुत कम रहे कोई परमात्मा पूछता ही नहीं तो परमात्मा के सस्ते मिलते आज जिस यूनिवर्सिटी में ज्यादा पढ़ते हैं वहाँ एक नंबर आना मुश्किल है पर जिस यूनिवर्सिटी में पैसे ही कम थे तो भगवान एक नंबर जल्दी आ जाता है उसमें पर भगवान जल्दी मिल जाते हैं। आजकल कलयुग में भगवान सस्ते हैं आज देखो सब चीजें महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया रुपया हो गया सस्ता चीजें हो गई महंगी ऐसे ठाकुर जी हो गए सस्ते आजकल आजकल सस्ते है आपको पता नहीं है ये पता लग गया ना मौज हो गया आनंद हो गया ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो सज्जनो जोश भक्त सच्चा भक्त जो सच्चे हृदय से पुकार करता है तो भक्त भगत फसल काम में वो पहुंच जल जाए सच्चा भगत हो सच्चे हृदय पुकार करे तो सच्चाई सच्ची पुकार भगवान के हृदय पहुंच जाती है बनावटी से नहीं बनावटी नहीं सोता यहाँ सच्चाई जाती है इस बार सच्चे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं चलते फिरते उठते फिरते मोटर चलती है तो उसे चाबी लगा कर यहाँ आता है 20 आटे में नहीं चलती 21 फट फटका चल पड़ा काम से गया अपना काम हो जाए कहते रहो कहते कहते किस आटे में चली अरे तुम चलाओ चलो चलाओ मोटर चल पड़ेगी भगवान ये नाम का याद करो चिंता करो भगवान को याद करो जरूर याद हो जाएगी इस रास्ते भगवान की कृपा है बड़ा शुभ अवसर है कलयुग समय कलयुग में भगवान का समय अब कहे बुरे विषय तो इन्हें ठहरे कीर्तन हो जाए कीर्तन करे भीषण नहीं उठना
बीच में उठता है वो सभा बिगाड़ करता है, सभा बिगाड़, सभा में वो रस नहीं रहता। एक दो चार आदमी उठते हैं बीच में तो सभा वैसी नहीं रहती, सब बैठा जाता, सभा का एक कीर्तन होता है, बहुत विशेष उसमें लाभदायक बातें होती है। इस वास्ते शांति से अभी कोई की सोचना सुना वो सुनो, उसके बाद में कीर्तन भी शांति से सुनो। पांच सात बस दस मिनट आप फिर क्या करो, आप उठ कर जा करके क्या काम करोगे? क्या कीर्तन से पड़ेगा दम नहीं है? क्या करते सोचते नहीं, अरे उठ जाओ झट, अरे करोगे क्या भाई वहां जा करके? थोड़ी देर बैठो, कृपा करोगे पाना छाती कर दांत भेज कर थोड़ा चला कर पांच सात दस मिनट बैठ जाओ, फला लाभ होगा। ये तो हुआ है भोजन, अब होगी दक्षिणा। दक्षिणा बिना यज्ञ होता है अच्छा नहीं होता, अदक्षिणा श्रद्धा बिना तामस मरीज तामस हो जाता है, तो वो दक्षिणा होगी। सत्संग करना कथा थान हर वर धान प्रसंग युद्ध मिला है दिन से चारों पर जीमा है, चारों पर जीमे जीवने के बाद में कीर्तन भगवान का